इवनिंग फ्रेंड्स, आज टुडे वी आर हियर टू गिव यू द प्रोग्रेस ऑफ द केस नंबर 01/2020 एंड मिस्टर ओबांग गाओ द कॉन्ट्रैक्टर हु इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। इन दोनों लोगों को भी आज अरेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। इन दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए SIC में बुलाया था, बट वो हमारे IO के क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कर पाए, तो देयर आफ्टर आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। सर, बार बार सवाल उठता है, हालांकि आपको बुरा लगना नहीं चाहिए था कि SIC अच्छा काम कर रहा है, ये केस में बहुत फास्ट किया है। एक आज प्रेस ब्रीफिंग हुआ था, कोई संगठन था वहाँ डिस्ट्रिक्ट का, अभी आपके साथ में मेसर साहब है बैठे हुए, उनका ऊपर में कुछ एलिगेशन जैसा ही लग रहा था हम लोगों को, क्या कहाँ तक सही है ये? टीम क्लीन सियांग डिस्ट्रिक्ट ने आज उनके मेंबर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और उनका जो वीडियो हम देख पाए हैं सोशल मीडिया से, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारे इंस्पेक्टर हैं मिस्टर ताबोंग तापन मैसर, उनके ऊपर ये बोल रहा था कि ये अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और किसी AE को क्लीन चिट दे दिया है, समथिंग लाइक दिस इट वॉज देयर। तो इस रिगार्डिंग ऑफिशियल तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन SIC में नहीं मिला है, और ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर तापंग मैसर इज़ नॉट द IO ऑफ दिस केस। सिंस अवर रेगुलर OC मिस्टर लोपसांग दावा, ही इज़ आउटसाइड एंड इन बॉम्बडिला टू इन्वेस्टिगेट द Class 8 पेपर लीक केस। So Mr. Tapang Mehta, being the senior most inspector in the SIC, he is looking after the charge of OC SIC. So in that role, he is supervising this investigation from the past 2-3 days. IO of the case is Madam Lady Inspector Coach Sai. All the investigation has been done by Mr. Coach Sai. So the Mrs. Coach Sai, ma'am. So the इन्फॉर्मेशन विच द टीम क्लीन सियांग हैज, दे आर नॉट हैविंग देयर फैक्ट्स राइट, तो उनको कुछ कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाई दे हैव मेड दैट काइंड ऑफ एलिगेशन। हाँ, तो क्लियर कर दिया कि जो हमारे मैसर साहब है उनका इस केस से कोई लेना जो आपने अभी असिस्टेंट इंजीनियर का बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या उसका जो कहाँ तक सही विच असिस्टेंट इंजीनियर जो केस में जो असिस्टेंट इंजीनियर, हाँ उनका जो उनका रोल भी हम लोग अभी इवेल्यूएट कर रहा है, अगर उनका रोल कुछ आएगा तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। एंड एज ऑन डेट अभी तक इस केस में किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दिया गया है, धीरे धीरे करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कड़ी दर कड़ी करते जा रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के अलावा भी और कोई कई लोग हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं, तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। सर, एसोसिएशन का कहना है कि मनी एक्सटॉर्शन भी हुआ है, ये जो केस है कि इसमें कितना हद तक सच है? एसोसिएशन ने किसी ईस्टर्न सेंटिनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का हवाला देके कहा है कि मिस्टर ओबांग गाओ ने कोई कंप्लेन की है कि उनसे किसी AE ने पैसे मांगे हैं और उन्होंने दिए भी हैं, बट इस तरीके की कोई कंप्लेन SIC के पास नहीं आई है। वो जिस कंप्लेन की बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में चल रही है, बट जो सोशल मीडिया में पेपर चल रहा है उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर के सिग्नेचर नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर को हमने अरेस्ट कर लिया है, अगर वो इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देंगे या जो भी वो जानकारी देंगे तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर इस तरीके के एलिगेशन ऑन द रिकॉर्ड आएंगे तो वी विल इन्वेस्टिगेट इट एंड वी विल रीच टू द डेप्थ ऑफ इट, जो भी सत्य है उसको बाहर लेके आएंगे। सर, केस का प्रोग्रेस का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं चैनल वगैरह को, ये केस 2021 में एक कंप्लेन आया था वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन से सियांग डिस्ट्रिक्ट के 2020 में, तो उस जो कंप्लेन था उसमें ये था कि ये कोमसिंग कुमकू टू सीसेन PMGSY रोड है, अबाउट 40 किलोमीटर लेंथ का ये रोड है, तो ये अच्छे से नहीं हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड द officials on the ground, they are collaborating and they are not doing the work as per the DPR. So thereafter a preliminary inquiry was done by the SIC. On the recommendation of preliminary inquiry, a regular case was registered on 3rd February 2021. After the registration of the case,
वी हैव रिक्वेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट टू कंस्टिट्यूट अ टेक्निकल बोर्ड एंड गिव अस द रिपोर्ट वेदर द वर्क हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाई एज पर द DPR और नॉट। तो फिर उनका रिपोर्ट दिसंबर में तैयार हो गया था 2021 में, जनवरी फर्स्ट वीक 2022 में हमको मिला है SIC में। तो उस रिपोर्ट में कई कमियां बताई गई हैं। मेजर कमी ये है कि जो एक्चुअल रोड की लेंथ अराउंड 34 किलोमीटर है, जबकि जो मनी का डिसबर्समेंट हुआ है दैट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर रोड की मनी का डिसबर्समेंट हो गया है। तो इस तरीके से उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे और जो बाकी फैक्ट्स हैं पेपर्स को चेक करके जिन जिन लोगों के कमियां सामने आ रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर SIC हम लोग भी जानते हैं आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक लोगों में पब्लिक में सोसाइटी में एक बात चलते रहता है कि SIC काम तो करता है, नदी में मछली मारता है तो छोटा जाल फेंकता है, छोटा मछली आता है, बड़ा मछली को पकड़ता ही नहीं है। तो इसमें कहाँ तक सही है सर जो लोग बोले, मैं आपको एक बार सुना इसलिए बता दिया कि शायद आपको भी जानकारी हो, ये कैसा ऐसा क्यों लोग एलिगेशन देते हैं सर? नहीं नहीं, इसमें बड़ा मछली का और छोटा मछली का कोई बात नहीं है। आप इसी मैटर में देख लीजिए, राइट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टू द JEE, जिन जिन का रोल हम इस्टेब्लिश कर पाए हैं उनको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। जस्ट मियरली बेस्ड ऑन एलिगेशन हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अरेस्ट होता है तो उसका बहुत सारा जो प्रोग्रेशन है, कैरियर प्रोग्रेशन, वो रुक जाता है। तो अनटिल वी आर 100% श्योर कि इसको अरेस्ट करने से बाद में उसका कन्विक्शन होगा तभी हम अरेस्ट करते हैं। अगर हम जस्ट एलिगेशन पे अरेस्ट करने लगेंगे तो जो अरेस्ट होता है वो उसका सस्पेंशन हो जाता है, फिर उसका प्रमोशन में दिक्कत होता है। तो जिनका रोल हम 100% सेटिस्फाई होते हैं कि इन लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम अरेस्ट करते हैं। तो किसी को जानबूझ के छोड़ा नहीं गया है। सर जितना भी करप्शन चार्जेस होते हैं तो देखा गया कि अरेस्ट होने के बाद में जो मेडिकल में रहते हैं ज्यादातर, मतलब इसमें किस तरह से आप लोग काम करेंगे, मेडिकल में रहेंगे या फिर आप लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लोग का पास रखेंगे? ये थोड़ा सा कई बार दिक्कत हो जाता है। इस मैटर में भी जो मिस्टर ईमो गई हैं जिनको हमने 28 फरवरी को अरेस्ट किया था, तो वो 1 मार्च को ही उन्होंने कुछ अपना मेडिकल दिक्कत बताया एंड देयर आफ्टर ही वाज टेकन टू ट्रिम्स एंड देयर ही हैज बीन एडवाइज टू बी एडमिटेड। और सेकंड बात ये, जब 28 को हमने अरेस्ट करके उनको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था, उसके बाद ही एज पर द रूल कि जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं और उसके बाद ही उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका 28 को जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, इन दैट ही वाज फिट, बट ऑन 1 मार्च ही हैज बीन एडमिटेड। अब राइट नाउ उनका मेडिकल रिपोर्ट आया है तो वी आर टेकिंग द लीगल ओपिनियन फ्रॉम अवर स्पेशल PP ऑफ SIC एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली एंड वी वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द मेडिकल डिपार्टमेंट एंड द कंसर्न डॉक्टर ही दे शुड टेक डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि अगर उनका एडमिशन रिक्वायर है तभी एडमिट किया जाए, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि अर्जेंट नहीं है तो उसको अगर डिफर किया जा सकता है तो उसको डिफर किया जाए। इसमें टेक्निकलिटी ये है कि फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट पुलिस कैन गेट द पुलिस कस्टडी ऑफ मैक्सिमम 14 डे। तो जितना भी टाइम वो 14 डेज में से मेडिकल में निकालते हैं तो पुलिस को वो टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो हम उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड वर्क इन टैंडम एंड सो दैट कि जस्टिस प्रिवेल हो। आप लोग अरेस्ट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं तुरंत हॉस्पिटल में ही पहुंच जाता है, और बार बार सोशल मीडिया हो लोगों का यही कमेंट है कि अरेस्ट का जो एक्यूज है बेस्ट इज द हॉस्पिटल। इसमें टेक्निकल दिक्कतें हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या नहीं होंगे दैट इज अप टू द डॉक्टर्स टू डिसाइड।
अगर हम जिसको भी अरेस्ट करते हैं तो एज पर लेट डाउन प्रोसीजर विद इन 24 आवर उनको हमको मेडिकल एग्जामिनेशन में ले जाना पड़ता है। उसके बाद अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि उनको अरेस्ट करना है तो हमारे पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि हम डॉक्टर की एडवाइस को ओवररूल कर दें। अगर हमको डॉक्टर की एडवाइस में कोई दिक्कत लगती है तो वी कैन मेक अवर रिप्रेजेंटेशन टू देम कि भाई आप अपना एडवाइस को रिकन्सिडर करें। उसके बाद भी अगर नहीं मानते और हमको लग रहा है कि सही में उनको एडमिशन का जरूरत नहीं है तो वी कैन गो टू कोर्ट एज वेल। सर हम लोग यहाँ आए हैं तो आपने क्लास ऑफ स्टेट बोर्ड का एग्जाम का जिक्र किया, तो उसका क्या स्टेटस है अभी तक? अभी उसमें क्लास 8 के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर लीक का अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है मैडम उनको तो बोमडिला पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद उनका कस्टडी SIC को मिल गया है। राइट नाउ सी इज इन SIC कस्टडी। हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर क्रॉन्ग और OC साहब मिस्टर दावा दोनों अभी बोमडिला में हैं। तो उसमें जो पेपर लीक होके लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सबसे पहले किन बच्चों को मिला, फिर उन्होंने जिसको दिया दैट इज लेवल 2 एंड फिर उन लेवल 2 ने जिसको फॉरवर्ड किया लेवल 3। तो लेवल 3 तक हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर दी है, मतलब उन लोगों को एग्जामिन कर लिया गया है। तो उसमें संडे तक हमारी टीम वापस आ जाएगी, तो उसके बाद अगर और कुछ प्रोग्रेस होगा देन वी विल अपडेट यू। तो अभी तक तो मैडम ही अरेस्ट हुई है, देयर इज नो फ्रेश अरेस्ट। सर आजकल जो दो लोगों का अभी इंटरव्यू है उन लोगों ने आज डिस्कस कर पाए कि कुछ और नाम लोगों ने लिया या फिर कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट लोगों का लोगों ने एडमिट किया है? I got your point. These are the nitty-gritty of case and since the investigation is in active phase, तो हम तो अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है कि वो लोग किसका नाम लिया या किसका नाम नहीं लिया। बट जो उनसे स्पेसिफिक सवाल थे SIC के, दे कुड नॉट आंसर। कि जैसे सवाल था कि जब 34 किलोमीटर का ही रोड ऑन ग्राउंड है तो हाउ द पेमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 किलोमीटर वाज मेड इन द पर्टिकुलर बिल and that if that road is not there on the ground then why as a JE you have initiated that bill, why did you sign that bill, and uske baad agar contractor sahab ne kaam kiya nahi to why did you accept that money, jo aap kaam nahi kiya to aapne wo paisa kyon accept kar liya। So abhi bhi isme aur logon ka investigation hona hai, to if and then jo bhi further progress hoga hum log aapko update karenge।